अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आईटी विद सोनिया राजपूत। आज की वीडियो में मैं एक अदद वुडन स्टेपलर गन की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस गन को किस तरह से यूज़ करना है, ये कितने में मैंने बाय की है और किस प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए मैंने इसे बाय किया है। एक्चुअली मैंने इसे बाय किया है डाइनिंग टेबल की चेयर्स की पोशिश करने के लिए, जिसकी वीडियो आपको जल्द ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ आप ऊपर रीड कर सकते हैं कि फास्ट डैश AR यानी फास्टर ब्रांड की ये गन है। थ्री वे स्टेपलर गन है, यानी इसमें थ्री टाइप्स की पिंस जाती हैं। वो पिंस कौन सी शेप में है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट जो है पिन वो टी शेप में है, जो नेक्स्ट पिन है वो राउंड शेप में है, और ये जो ऑर्डिनरी पिन हम यूज़ करते हैं ये उस शेप में है। और उसके साथ आगे इसकी नॉब बताई गई है, जिससे आप इस गन का प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो नॉब कहाँ है वो मैं अभी आपको इसे ओपन करने के बाद बताऊंगी। यहाँ आप इसकी बैक पे देख सकते हैं कि 1190 लिखा हुआ है। दैट्स मीन ये इसकी प्राइस है, यानी मैंने इसको 1190 रुपीज़ में बाय किया है। और उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि वेरी हैंडी वर्सटाइल एंड हाई क्वालिटी टैकर, यानी इसका प्रेशर अच्छा है। हाई क्वालिटी टैकर यानी इसका जो प्रेशर है पिन को बाहर निकालने का वो बहुत अच्छा है। आइडिया फॉर अपहोल्स्ट्री, वुड वर्किंग, सीलिंग टाइल्स, रैक एंड रूफिंग। अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो जनाब ये है हमारी वुडन स्टेपलर गन। पहले आप ओवरऑल इसकी लुक देख लें। बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है ये, मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी। मेटैलिक बॉडी है इसकी, और सेंटर में ग्रिप के लिए एक प्लास्टिक की, यहाँ भी इन्होंने हैंडल की एक शेप दी हुई है। ये देखिए, ये निकल भी आएगी यहाँ से। और बीच में एडजस्ट भी हो जाएगी। ये वो पिन है जिसे हम इस गन का प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको अनलॉक कैसे करना है। अनलॉक करने के लिए थोड़ा इसको पुश किया और डाउनवर्ड ले आए तो ये अनलॉक हो जाएगा, ये प्लंजर। और फिर यहाँ पे हम इसके पिंस डाल देंगे। पिंस मैं आपको थोड़ी देर में इसमें डाल के दिखाऊंगी। और अब हम इसके हैंडल को अनलॉक कर लेते हैं। ये देखिएगा, पिन नाम भी हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं इसके प्रेशर देखने के लिए। तो चलिए अब इसमें पिंस डाल लेते हैं। मुझे इसके साथ पिंस नहीं मिली थी, इसलिए मैंने पिंस की जो डिबिया थी उसको सेपरेटली बाय किया था। और इसमें जो पिंस जाती हैं उनका नाम है 1010J। इसमें 5000 पिंस हैं और इसको मैंने 360 रुपीज़ में बाय किया है। ये देखिए, मैं आपको इसमें पिंस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 5000 पिंस हैं इसमें। और ये एक बार है, एक बार में ऑलमोस्ट 100 पिंस होती हैं। पिंस डालने के लिए हम इस प्लंजर को प्रेस करेंगे और डाउनवर्ड ले आएंगे तो ये प्लंजर बाहर आ जाएगा। और ये जो पूरी की पूरी बार है, अगर हम इसको डाल देते हैं तो प्लंजर बंद नहीं होगा। ये देखिए, मैंने पूरी बार डाल दी। अब मैं जब इसमें प्लंजर डालती हूँ तो ये यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी पिंस यहाँ से निकाल लेनी है। बिकॉज़ इसकी लेंथ आप देख सकते हैं कितनी, अगर बार यहाँ जाएगी तो स्प्रिंग के साथ और वो प्लंजर जो है इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। तो
तो इसलिए हम थोड़ी सी पिंस यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिएगा थोड़ी सी, बस इतनी सी निकाल लेते हैं, ये फिर यूज़ हो जाएंगे। इसको साइड पे मैं रख लेती हूँ। देखिए पुश किया एंड अपवर्ड, उसी जो यहाँ पे उन्होंने सॉकेट बनाई हुई उसमें इसको फिक्स कर दिया। फिर से देख लें, पुश किया एंड अपवर्ड ले गए, ये जो होल सा आपको यहाँ ब्लैक दिख रहा है ये चीज़ उसमें फिक्स हो जाएगी। दैट्स इट। तो ये गन लोड हो चुकी है और अब हम इसे पिंस लगा के देखते हैं। तो पिंस लगाने के लिए ये मैंने लकड़ी के एक टुकड़े को चूज़ किया है, तो अब मैं आपको इसके ऊपर पिंस लगा के दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पिन लग चुकी है, ये देखिए बहुत अच्छे से फिक्स हो गई है। अगर हम यहाँ से इसका प्रेशर कम कर देते हैं, यानी ये नोब ऊपर कर देते हैं, तो होगा ये कि पिन इतना डीपली इस वुड में नहीं जाएगी, यानी सॉफ्ट वुड होगी तो उसमें क्विकली चली जाएगी। इस नोब का आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके पास हार्ड वुड होगी तो आपने इसका प्रेशर बढ़ा देना है, यानी इस नोब को बहुत नीचे कर देना है, तो ये प्रॉपरली उसमें फिट हो जाएगी। और अगर इतनी हार्ड आपके पास वुड नहीं है तो आप इसका प्रेशर कम करके भी इससे पिन लगा सकते हैं। अब मैं आपको पिन लगाते हुए इसका साइड व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चूंकि गन का प्रेशर कम रखा था तो इसलिए ये फुली इंसर्ट नहीं हो पाई। तो ये उस वुड पे डिपेंड करता है जिसके ऊपर आप पिन लगा रहे हैं, यानी वुड के अकॉर्डिंग आप अपनी गन का प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। हार्ड वुड के लिए प्रेशर ज़्यादा करेंगे और सॉफ्ट वुड के लिए प्रेशर कम करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये गन ठीक है, अच्छा खासा इसका प्रेशर भी है, तो ये सही से वुड में पिन को इंसर्ट कर देती है। जो पिन इसमें हम डालते हैं उसका नेम है 1010J। 1010 मीन्स कि इस पिन की जो लेंथ है और जो विड्थ है वो 10mm है, यानी इसकी लेंथ भी 10mm है और जो इसकी विड्थ है वो भी 10mm है, जो कि इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। जब भी आपने किसी वुडन गन को बाय करना है तो ये बहुत अच्छे से आप कंफर्म कर लें कि उसकी पिन्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएं। ऐसा ना हो कि गन तो आपको सस्ती मिल जाए बट उसके लिए आपको पिन्स दोबारा मिलना मुश्किल हो जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखें और फिर इसके बाद आप कोई भी गन बाय कर सकते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।